निर्भया के दोषियों की फांसी अब कुछ दिन और टल गई है। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका का अभी विकल्प बचा है। दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। निर्भया के दोषी को फांसी कब होगी, यह सवाल अब भी कायम है। दरअसल दोषियों के पास अभी भी कानूनी उपचार बचे हुए हैं और इस उपचार का इस्तेमाल वो कितने दिन में करेंगे, इसके लिए कानून में कोई सीमा तय नहीं है। इसी कारण फांसी का फंदा उलझा हुआ है। कानूनी जानकार बताते हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। यही कारण है कि अभी तक इस मामले में क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका का विकल्प है। इस केस के तीन दोषियों की रिव्यू पिटीशन जुलाई 2018 में खारिज हो गई थी। चौथे की याचिका पिछले महीने खारिज हुई है। जानकारों के मुताबिक इस मामले में सभी की दया याचिका खारिज होने के बाद आखिरी इंसाफ होगा। अपील विशेष अनुमति याचिका और रिव्यू के लिए अभी समय सीमा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एमएलए लाउटी का कहना है कि निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए समय सीमा तय है। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, न ही दया याचिका दाखिल करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है। 9 जुलाई 2018 को तीन दोषियों के रिव्यू पिटीशन खारिज। निर्भया केस में 9 जुलाई 2018 को तीन मुजरिमों की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई थी। इसके बाद तीनों ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की। फिर 2019 में चौथे मुजरिम अक्षय ने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लाहौटी बताते हैं कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए 2 महीने का वक्त होता है, यानी हाई कोर्ट में 2 महीने के भीतर अपील कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने के लिए समय सीमा नहीं। हाई कोर्ट से भी अर्जी खारिज हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमानित याचिका दायर करने के लिए 3 महीने का वक्त निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट से भी अर्जी खारिज हो जाए तो रिव्यू पिटीशन के लिए 1 महीने का वक्त होता है। रिव्यू खारिज होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। आखिर कब होगी निर्भया के दोषियों की फांसी? देखते रहिए इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।